सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। क्या है ये यूपीएस, क्या होगा इसका फायदा और क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंतर, चलिए जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से पुरानी पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए बंद किया था तब से इसे वापस शुरू करने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन सरकार ने इसके बीच का एक रास्ता निकाला, वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि एनपीएस की जगह लेने वाली यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का फायदा देगी। एनपीएस में शामिल कर्मचारी भी यूपीएस को चुन सकते हैं। क्या है यूपीएस, इसका क्या होगा फायदा और एनपीएस और यूपीएस में क्या है अंतर? यूपीएस के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी है। इसमें बेसिक सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा, जबकि एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। और अगर बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की तो उसके तहत कम से कम 20 साल की नौकरी करने वालों को बेसिक सैलरी और डीए प्लस 50% तक पेंशन की गारंटी मिलती है। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यूपीएस में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5% है और कर्मचारी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं 10%। एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% है और कर्मचारी इसमें 10% का ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें सिर्फ सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। अब बात करते हैं पेंशन की कि अलग अलग स्कीम्स में आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, जिसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होना जरूरी है। वहीं एनपीएस में कोई नियमित पेंशन नहीं है, जबकि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 रुपए की पेंशन तय की गई थी। यूपीएस की तरह ही ओल्ड पेंशन स्कीम में भी कम से कम 10 साल की नौकरी का होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कितने पैसे मिलेंगे। तो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिरी पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाता है, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में कोई फैमिली पेंशन नहीं है। वहीं महंगाई भत्ते की बात करें तो यूपीएस और एनपीएस में पेंशन होल्डर्स को महंगाई राहत मिलती है। तो अगर आप भी किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं या आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काम की हो सकती है। इसे सेव करके जरूर रखें और जिसको इसकी नीड है उस तक इसे फॉरवर्ड भी जरूर करें।